नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहजन के बारे में। बिहार सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास करती रही है। इसी कड़ी में कई ऐसी फसलें हैं जिसके उत्पादन पर बिहार सरकार अनुदान देती रही है। आज हम जिस फसल के बारे में आपको बताने वाले हैं वह है सहजन। सहजन का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह खेत के साथ ही साथ पशुपालन में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इस पौधे में अनेक तरह के मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और दर्द निवारक तत्वों की भरपूर मात्रा जो है होती है और यह जो है उसकी पत्तियों में पाई जाती है। ऐसे में बिहार सरकार जो है सहजन के उत्पादन को लेकर अग्रसर है बिहार सरकार, और उसमें जो है अनुदान देती है। सहजन के इन्हीं गुणों को देखते हुए बिहार सरकार ने इस पौधे के औषधीय गुणों को देखते हुए भारी अनुदान देने का फैसला किया है। सहजन के उत्पादन में 50% अनुदान 50% राज्य सरकार देने का फैसला किया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो औषधीय गुणों से भरपूर सहजन के पत्ते का पाउडर विदेश भेजा जाएगा। हरी सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ सहजन के पत्ते को प्रोसेसिंग कर पाउडर बनवाएगा। इसके लिए 100 एकड़ में सहजन की खेती कराना की योजना पर जो है काम किया जा रहा है। इधर सहजन संघ के अध्यक्ष मनोज मेहता ने बताया कि पटना, नालंदा, समस्तीपुर और वैशाली में किसानों से सहजन की खेती कराई जाएगी। किसानों को प्रति एकड़ सहजन की खेती पर 50,000 रुपये की अनुदान फिर दिया जाएगा। अनुदान के रूप में दिए जाने वाली राशि को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि 1 हेक्टेयर में 74,000 रुपये लागत मिलेगी। ऐसे में बिहार सरकार इसका 50% राशि देगी, जिसमें कि 37,500 रुपये की राशि बिहार सरकार की तरफ से दी जाएगी। यह राशि 2 किस्तों में जाएगी। पहली किस्त में 27,780 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी किस्त में 9,250 रुपये दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि अगली बार जब फसल लगेगी तो दूसरी किस्त भी दी जाएगी। सहजन के पत्ते से पाउडर खरीदने के लिए एक कंपनी से MOU किया गया है। कहा गया है कि MOU होने के बाद सहजन के पत्ते का पाउडर बनाकर यूरोपियन देशों में भेजा जाएगा। संघ के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि यूरोपियन देशों में सहजन के पत्ते से बने पाउडर की बहुत मांग है। अपने ही देश में सहजन के पत्ते का पाउडर 800 रुपये किलो बिकता है। विदेश में यह 3 गुना अधिक कीमत पर बिकती है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ बिहार की पहचान भी विदेशों तक जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सहजन की खेती के साथ राज्य में सहजन के कितने पेड़ हैं और इसके सर्वे भी जो है आने वाले दिनों में कराया जाएगा। बिहार सरकार लगातार एक तरह से कह लें कि उद्योग को लेकर अग्रसर है। ऐसे में जो है वो किसानी से हम कैसे, यानी कि खेत से हम कैसे उद्योग को डेवलप कर सकते हैं, किसानों को हम कैसे नकदी फसलों के रूप में हम पैसे कैसे दिलवा सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भी लगातार काम करती रही है। इसी कड़ी में आज हमने देखा कि सहजन को लेकर बिहार सरकार जो है किसानों को अनुदान दे रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।